प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं उनमें और जिनपिंग में एक बड़े खास अंतर है, जिसको मैं बहुत खुले दिल से बोलना चाहता हूं कि जिनपिंग ने जितने भी दुनिया में बैटिंग करी है चाइनीज इंटरेस्ट के लिए, उसमें चाइना का पब्लिक सेक्टर का ही 100% लाभ हुआ है। जिनपिंग के कार्यकाल में या उससे पहले भी जो और एक दो जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल में, अगर चाइना का जो बाहर विस्तार हुआ है और चाइना ने जितने पोर्ट अधिग्रहण किए हैं, पोर्टों को लिया है, बंदरगाहों पे को लिया है, वो मैक्सिमम 99% क्या 100% पोर्ट चाइनीज पब्लिक सेक्टर के अंदर में है। भारत का एक भी पोर्ट जो ओवरसीज में, जो भारत दावा करता है अडानी साहब जो चाइना को पछाड़ रहे हैं, सारे पोर्ट अडानी साहब के पास है। भारत के जो शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहीं बात नहीं करी। पिछले दिनों कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे थे, उस ट्वीट्स में ये लगातार बताया जा रहा था, जब ये बात आई ना कि अडानी साहब एक चाइना के नागरिक का यूए के नागरिक के साथ लगातार व्यापार कर रहे हैं, सेल कंपनियों के थ्रू वो कर रहे हैं, तो काउंटर करने के लिए कुछ लोगों ने एक ट्वीट किया कि अडानी साहब दुनिया के तमाम देशों में चाइना को पछाड़ रहे हैं, चाइना को बुरी तरह से पछाड़ रहे हैं, चाइना का पोर्ट वहां है तो वहां अडानी साहब ने पोर्ट ले लिया, चाइना का पोर्ट श्रीलंका में है तो अडानी साहब भी वहां पहुंच गए पोर्ट लेने के लिए, इसराइल में है तो इसराइल पहुंच गए, ग्रीस में है तो ग्रीस पहुंच गए, पूरा उसकी तारीफ करी गई। उन महानुभाव महोदय से कोई ये पूछे कि अडानी साहब सारी दुनिया में चाइना को पछाड़ रहे हैं लेकिन लद्दाख से चाइना को नहीं खाली भगवा रहे हैं। दिल्ली के जो मीटिंग पिछले अगले 2 दिन 3 दिन जो होगी, इसमें क्लियर कट अगर आप मीडिया के कवरेज को भी देखें तो अमेरिका डोमिनेट कर रहा है। आज के अखबारों में भी देखें तो अमेरिका डोमिनेट कर रहा है और क्लियर कट लग रहा है कि G20 की मीटिंग है या G7 की मीटिंग हो रही है। जिस ढंग से आज जो बाइडेन के कवरेज मिला इंडियन मीडिया में, जिस ढंग से जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर की जो द्विपक्षीय मीटिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है G20 के मीटिंग से, तो यह एक बड़ा क्लियर हो गया है कि मेरा यह मानना है कि ये G20 की जो मीटिंग है माइनस रसिया माइनस चाइना, अमेरिका डोमिनेट करेगा और G7 यहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इस मीटिंग को। G20 के अंदर G7 एक अलग पार्ट है जिसमें यूके है, फ्रांस है, इटली है, अमेरिका है, जर्मनी है, कनाडा है, ये सारे देश G7 के पार्ट ही है, G20 के भी मेंबर हैं। एक ग्रुप वो था जो एंटी वेस्ट ब्लॉक है जिसमें रशिया है और चाइना है, बहुत बड़े जो ग्रुप है जो G20 के अंदर मेंबर है लेकिन एंटी G7 है, एंटी वेस्ट है। और एक जो मेंबरशिप ऐसे देशों की है जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, गरीब हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंडिया है, ब्राजील है, ऐसे ऐसे देश हैं और इंडिया उनके लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और वो मैसेज वेस्ट से ज्यादा भारत के लिए है और भारतीय प्रधानमंत्री के लीडरशिप को उन्होंने जो एक जो एक तरह से चुनौती दी है कि अगर आप बहुत बड़ा शक्ति बनने की ख्वाब देख रहे हैं तो हम इसको नहीं मानते हैं। और चूंकि चाइना को इग्नोर करना इसलिए मुश्किल है कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, $20 trillion का इकोनॉमी है अगर GDP के एंगल से देखेंगे तो। 2020 से हमारा सीमा विवाद लद्दाख के आसपास चल रहा है और हमारे 25 कई इलाकों पे चाइना ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और 26-27 लेवल पे, मतलब 26-27 बार जो है कॉर्प्स कमांडर लेवल पे टॉक हो चुका है और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के चाइना ने एक और मैसेज दिया है कि हम जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको हम सुलझाने के लिए बहुत तैयार नहीं है, भारत लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है। और चाइना ने ये मैसेज दिया है कि हम इस मामले पे कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे और चाइना टाल मटोल की पॉलिटिक्स कर रहा है। जिनपिंग ने ये जो भारत की जो यात्रा टैली है, G20 की मीटिंग में जो भाग नहीं लेने का फैसला लिया है, ये एक उनकी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लिया है और उन्होंने दो मैसेज दिए हैं। एक मैसेज ये दिया है कि भारत का जो ग्लोबल साउथ में इमरजेंस है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, या भारत जो ग्लोबल साउथ में एज ए लीडरशिप और एज ए लीडर इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है उसको चीन नहीं मानता। साबरमती का झूला, महाबलीपुरम की यात्रा, दक्षिण भारत सहित तरह तरह के व्यंजन और G20 मीटिंग में न आना, क्या है इसके मायने? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चर्चा
चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की, वो G20 में नहीं आ रहे हैं। ये विशेष एपिसोड है चाइना को लेकर। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है, वैसे में पड़ोसी मुल्क का न आना इसके क्या मायने हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और बॉर्डर डिस्प्यूट के दृष्टिकोण से, इसी को समझने की कोशिश है इस एपिसोड में। हमारे साथ संजीव पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत शोध तैयारी के साथ आए हैं कि इस बताने के लिए कि आखिर इसके मायने क्या है। इसलिए पूरा वीडियो सुनिए और देखते, शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। स्वागत है संजीव जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताएं। जी देखिए, जिनपिंग ने ये जो भारत की जो यात्रा टैली है, G20 की मीटिंग में जो भाग नहीं लेने का फैसला लिया है, ये एक उनकी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लिया है। और उन्होंने दो मैसेज दिए हैं। एक मैसेज ये दिया है कि भारत का जो ग्लोबल साउथ में इमरजेंस है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, या भारत जो ग्लोबल साउथ में एज ए लीडरशिप और एज ए लीडर इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है उसको चीन नहीं मानता। पहला मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा खतरनाक है कि 2020 से हमारा सीमा विवाद लद्दाख के आसपास चल रहा है और हमारे कई इलाकों पे चाइना ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और 26-27 लेवल पे, मतलब 26-27 बार जो है कॉर्प्स कमांडर लेवल पे टॉक हो चुका है और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के चाइना ने एक और मैसेज दिया है कि हम जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको हम सुलझाने के लिए बहुत तैयार नहीं है, भारत लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है। और चाइना ने ये मैसेज दिया है कि हम इस मामले पे कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, और चाइना टाल मटोल की पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए, जिनपिंग आने आखिर क्यों अभी भारत आने से इंकार कर दिया? देखिए, पुतिन नहीं आ रहा है, पुतिन को लेकर तो एक इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा है कि यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, उनका सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट निकाल रखा है। हालांकि भारत में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है जिसके तहत वो वारंट निकाला गया है, और अफ्रीका उनका साउथ अफ्रीका सिग्नेटरी था तो उन्होंने उनके यात्राएं अवॉइड किया। लेकिन एक सुरक्षा बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा है कि पुतिन ने बाली समिट भी स्किप्ट किया था। इससे पहले जो बाली में जो समिट जो G20 का हुआ था, सम्मेलन जो हुआ था, तो पुतिन ने वहां पे स्किप किया था उस मीटिंग को। लेकिन जिनपिंग उस मीटिंग में थे, और जिनपिंग ने कोविड की जो एक मीटिंग हुई है, कोविड के दौरान जो एक मीटिंग हुई थी उसको छोड़कर किसी भी मीटिंग को स्किप नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि G20 का इतना लार्ज स्केल पे जो मीटिंग हो रहा है उसको जिनपिंग ने स्किप किया है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और वो मैसेज वेस्ट से ज्यादा भारत के लिए है। और भारतीय प्रधानमंत्री के लीडरशिप को उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है कि अगर आप बहुत बड़ा शक्ति बनने की ख्वाब देख रहे हैं तो हम इसको नहीं मानते हैं। और चूंकि चाइना को इग्नोर करना इसलिए मुश्किल है कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है अगर GDP के एंगल से देखेंगे तो। पर कैपिटा इनकम भी इंडिया से बहुत ज्यादा है, हमारा $2200-2300 है पर कैपिटा इनकम, जो उनका है $10,000 तक पहुंचा हुआ है चाइना का। और इवन की उसको इग्नोर करना एज इकोनॉमिक पावर, बेशक अमेरिका और चाइना के बीच बहुत डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी ट्रेड के मामले में इग्नोर नहीं कर रहा है और लगातार अपने कॉमर्स सेक्रेटरी, ट्रेड सेक्रेटरी और अपने फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को चाइना विजिट करते रहे हैं, और एक चैनल पे बातचीत चलती रही है तमाम तनावों के बावजूद। तो वैसे में भारत में न आना जो है वो हमारे लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। और दो बड़े राष्ट्राध्यक्ष G20 के दो राष्ट्राध्यक्ष, जो पुतिन, पुतिन का तो कारण मैंने बता दिया, लेकिन जिनपिंग, पुतिन, दो बड़े राष्ट्राध्यक्ष और तीन बड़ी शक्तियां हम लोग दुनिया में मानते हैं, चीन, रशिया और अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति है डिफेंस के एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से। इकोनॉमिक एंगल से रशिया उतना बड़ी शक्ति नहीं है, लेकिन डिफेंस के एंगल से रशिया भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ये दो स्किप कर रहे हैं। तो ये मीटिंग क्लियर कट ये हो गया है कि इस मीटिंग को अब G7 डोमिनेट करेगा, G20 के इस मीटिंग को। देखिए, एक चीज मैं आपको समझाना सकता हूँ, G20 तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ऐसे भी G20 प्राइमरली एक इकोनॉमिक फोरम है। 1999 से फाइनेंस मिनिस्टर, दुनिया भर के बड़े फाइनेंस, अलग अलग देशों के फाइनेंस मिनिस्टर बैठते थे। बाद में इसको राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के रूप में बदल दिया गया,
और उसके बाद इकोनॉमी के साथ साथ इसमें क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर जैसे तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया। अब वैसे में देखिए G7 के सारे देश G20 के भी मेंबर हैं, तो G20 जो है पहले से 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ये डिवीजन क्लियर कट दिखता था अलग अलग मीटिंगों में। G20 के अंदर G7 एक अलग पार्ट है जिसमें UK है, फ्रांस है, इटली है, अमेरिका है, जर्मनी है, कनाडा है, ये सारे देश G7 के पार्ट ही G20 के भी मेंबर हैं। एक ग्रुप वो था जो एंटी वेस्ट ब्लॉक है जिसमें रशिया है और चाइना है, बहुत बड़े जो ग्रुप है जो G20 के अंदर मेंबर है लेकिन एंटी G7 है, एंटी वेस्ट है। और एक जो मेंबरशिप ऐसे देशों की है जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, गरीब हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंडिया है, ब्राजील है, ऐसे ऐसे देश हैं, और इंडिया उनके लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप उसका लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जो दोनों तरफ गेम खेल रहे हैं, जैसे UAE है, सऊदी अरब है, ये अलग अलग गेम खेलते हैं, या अमेरिका के साथ भी हैं, अब चाइना के साथ भी हो गए हैं, ब्रिक्स में भी मेंबर बन गए हैं। तो अब जो दिल्ली के जो मीटिंग पिछले अगले 2-3 दिन जो होगी, इसमें क्लियर कट अगर आप मीडिया के कवरेज को भी देखें तो अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, आज के अखबारों में भी देखें तो अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, और क्लियर कट लग रहा है कि G20 की मीटिंग है या G7 की मीटिंग हो रही है। जिस ढंग से आज जो बाइडेन के कवरेज मिला इंडियन मीडिया में, जिस ढंग से जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर की जो द्विपक्षीय मीटिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है G20 के मीटिंग से, तो ये एक बड़ा क्लियर हो गया है कि मेरा यह मानना है कि ये G20 की जो मीटिंग है माइनस रसिया माइनस चाइना, अमेरिका डोमिनेट करेगा और G7 यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इस मीटिंग को। जी, तो इसके भारत के दृष्टिकोण से इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? देखिए भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि भारत जो है ग्लोबल साउथ में एक अपना प्रेजेंस दिखाना चाह रहा था, और लगातार हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते भी हैं कि हम वर्ल्ड के 5th बड़े इकोनॉमी है, 6th बड़े इकोनॉमी है, हम 3rd बड़े इकोनॉमी बन जाएंगे। तो वो जो 3rd बड़े इकोनॉमी जब आप बनने का दावा कर रहे हो, और वैसे में एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी जो है आपको चैलेंज कर रहा हो, आपके लीडरशिप को चुनौती दे रहा हो, तो डेफिनेटली जो है आप उससे निर्भर भी हैं, आप उस पर निर्भर भी हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब कोविड के दौरान ही जब बॉर्डर डिस्प्यूट आपका हुआ, तो बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बाद हमने तमाम बायकॉट, चाइनीज बायकॉट करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा मुहिम भी चला, और मुहिम चलने के बाद कहा कि हम लोग चाइनीज वस्तुओं के बायकॉट करेंगे। लेकिन स्थिति क्या हुई, रियलिटी में हमारा चाइना के साथ ट्रेड घटा नहीं, बढ़ता गया, उसके बावजूद बायकॉट के बावजूद बढ़ता गया। और तो और जब आपने रशिया से तेल इंपोर्ट शुरू किया, तो रशिया से तेल इंपोर्ट करने के लिए आपने चाइनीज करेंसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि रशिया ने कहा कि अब हम आपका रुपया नहीं रख सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा भंडार हमारे पास हो गया है और हम इसको और कहां इस्तेमाल करेंगे, तो आपने चाइनीज करेंसी शुरू कर दिया। ट्रेड डेफिसिट चाइना के पक्ष में है, ट्रेड डेफिसिट जो है आपका जो है व्यापार संतुलन जो है वो चाइना के फेवर में है बॉर्डर के डिस्प्यूट के बावजूद, उसके बावजूद चाइना आपकी आंख दिखा रहा है, चाइना आपको आंख दिखा रहा है, आपका सम्मान नहीं कर रहा है, आपने सारा प्रोटोकॉल तोड़ के, क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप चाइना पे तमाम दुश्मनियों के बावजूद आपने ये तक नहीं बोलने की हिमाकत करी कि चाइना हमारी सीमा के अंदर घुसा। अभी तक जितने बॉर्डर टास्क हुए हैं कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, 26 पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना के कब्जे में है, और चाइना ने एक और बदमाशी करी। 3 दिन पहले, अभी G20 की मीटिंग से पहले 3 दिन पहले चाइना ने एक नया नक्शा रिलीज किया, और उसको बोला ये रूटीन प्रैक्टिस है, कोई ज्यादा चीखने चिल्लाने किसी को जरूरत नहीं है, स्नैप करने की कोशिश करी इंडिया को उसने। उसने अरुणाचल, तिब्बत तो पहले ही उसके कब्जे में, अरुणाचल के साथ लद्दाख वाला पार्ट भी अपने हिस्से में दिखा दिया, हालांकि उसने साउथ चाइना सी को भी दिखाया, कई एरिया को उसने अपने एरिया में दिखाया। लेकिन भारत को ये अंदर जब G20 की मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग से पहले अगर उसने चाइना ने एक नक्शा जारी करके अरुणाचल को अपना पार्ट दिखाया, तो ऑटोमेटिक एक आपके लीडरशिप को उसने चैलेंज दिया, उस लीडरशिप को चैलेंज किया, जिस लीडरशिप ने प्रोटोकॉल तोड़ के दिल्ली के बजाय अहमदाबाद लेके गए, सबसे पहले साबरमती के तट पे झूला झुलाया, आप वुहान गए, वुहान में उनके साथ झूला झूलते नजर आए चाइना के अंदर, फिर जिनपिंग महाबलीपुरम आए, महाबलीपुरम में समुद्र तट पे आपने पूरा उनको घुमाया, सारी फोटोओं को दिखाया, और पूरा आपने पूरे देश को दिखाया कि मोदी साहब कितने बड़े लीडर हैं। और उसके बावजूद ये सारे तीनों घटनाक्रम के बाद चाइना आपके एरिया में घुस गया, और अब G20 की मीटिंग को भी सबॉर्डिनेट कर रहा है।
तो ये भारत के लिए जो ग्लोबल लीडरशिप का जो दावा है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चीन ने उठा दिया है। हालांकि इंडियन मीडिया अभी भी पूरा का पूरा जबरदस्त गुणगान कर रहा है G20 की मीटिंग के, और इंडियन मीडिया में इस एस्पेक्ट पे चर्चा नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि फॉरेन मीडिया इस पे क्वेश्चन उठा रहा है। फॉरेन मीडिया में चाइना का ना आने पे तमाम डिस्कशन हो रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक है कि रसिया जब उनको जब अमेरिका जब उनसे डीकपल नहीं होना चाह रहा है तो आपको आप उससे डीकपल होने की तमाम कोशिश करने के बावजूद डीकपल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि या तो आप चाइना से डरे हुए हैं। हालांकि विदेश मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है, 16-17 देश ही आते हैं, लेकिन 16-17 देश अगर आते हैं तो उसमें दुनिया के जो दूसरा जो दूसरी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है G20 का, उसका आना बड़ा मायने रखता है। अब कहां एक पंगा पड़ना है जिसका इंपैक्ट जो आपने पूछा उसका पड़ेगा कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होना है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन होने की संभावना घट रही है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन शायद ना हो पाए, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से भी कल परसों एक सिग्नल आया है कि चाइना और रसिया शायद इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे, तो दिल्ली समिट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। इससे पहले जितने भी मिनिस्ट्रियल समिट हुए लगातार पिछले 6-7 महीने में G20 देशों के जो मिनिस्ट्रियल समिट हुए हैं, उस समिट में जहां जहां भी एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन की सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन बनाने की कोशिश की गई वहां पे चाइना ने सबॉर्टेज किया। तो ये सबॉर्टेज तो पहले से ही दिख रहा था कि चाइना सबॉर्टेज कर रहा है इस पूरे मीटिंग को, और मतलब कि जो इंडिया के लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है या इंडिया के लीडरशिप को कह रहा है कि ये G20 के लायक है नहीं। देखिए बाली समिट में चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया, इंडोनेशिया में जब समिट हुआ तो चाइना इस तरह की हरकत कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, बाली समिट के ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर चाइना कुछ समय पर ऑब्जेक्शन ये था कि यूक्रेन को लेकर जो G7 के देश चाहते थे उस पर चाइना राजी नहीं था कि चाइना और रशिया एक ब्लॉक हो चुका है। तो ऑटोमेटिक है कि हमारे लीडरशिप के लिए चैलेंज है, और लीडरशिप जो है इस चीज को स्वीकार करने को राजी नहीं है, और हमको लगता है कि पार्लियामेंट के सेशन में इस बात का गुणगान किया जाएगा G20 की मीटिंग को। लेकिन G20 की मीटिंग में इस गुणगान के दौरान क्या ये बताया जाएगा कि जिनपिंग इस मीटिंग में क्यों नहीं आए, जिनपिंग का ना आने का कारण क्या है, ना जिनपिंग बीमार है, ना जिनपिंग को कोई पुतिन की तरह खतरा है, अंतर्राष्ट्रीय खतरा है कि कहीं उन पर कोई अटैक हो जाए या उनको कोई गिरफ्तारी हो सकती है, उसके बावजूद उनका नहीं आना, क्योंकि इससे पहले वो अफ्रीका में ब्रिक्स की मीटिंग में गए हैं। ब्रिक्स की मीटिंग में उन्होंने पूरा अफ्रीका के तमाम अफ्रीकी देशों से मीटिंग भी करी है, अपना प्रभाव भी बढ़ाया है। तो मेरा ये मानना है इमीडिएट ब्रिक्स की मीटिंग में जाने के बावजूद G20 की मीटिंग में ना आना, वो भारतीय लीडरशिप को साफ मैसेज है कि हम आपको ना बॉर्डर पे कोई रियायत देने जा रहे हैं, और ना हम आपको इस एरिया में साउथ एशिया के एरिया में साउथ ग्लोबल साउथ में जो आप लीडरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको उभरने नहीं देंगे। एक क्लियर कट हमारे लीडरशिप को ये मैसेज है चीन की तरफ से। अब ये देखना होगा कि हमारा लीडरशिप कैसे रिएक्ट करता है उनको, क्योंकि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, ब्रिक्स की मीटिंग में भी चाइना ने एक बहुत बड़ा गेम इंडिया के साथ किया। चाइना ने 6 और जो मेंबर बनाए हैं उसमें से मैक्सिमम मेंबर चाइनीज प्रभाव में है इस समय। बेशक भारत कहे कि हमारा सऊदी अरब से बहुत अच्छा संबंध है, हमारे मिस्र से बहुत अच्छा संबंध है, यूएई से बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन उसमें क्लियर कट ये है कि वो इकोनॉमिक फोरम पे चाइना के प्रभाव में है। ईरान भी उनके प्रभाव में है, सऊदी अरब भी उनके प्रभाव में है, मिस्र भी उनके प्रभाव में है, और क्या कहा जाता है, यूएई भी प्रभाव में है। तो क्लियर कट ये मैसेज है, इथोपिया भी उनके प्रभाव में है जो एक नया मेंबर बना है वहां का, साउथ दक्षिण अफ्रीका का। तो ये और ये सारे जो देश बने हैं, इंडिया उसमें जो है, इंडिया ने तो कहा कि हम सर्वसम्मति से बनाए हैं, लेकिन इंडिया और ब्राजील रिलक्टेंट थे इन मेंबरशिप पे, अंदर की खबर ये थी, लेकिन चाइना ने अपने प्रभाव से वहां पर इन देशों के मेंबरशिप बढ़ा के ब्रिक्स पे भी कब्जा करने की कोशिश की है और इंडिया को किनारे लगाने की कोशिश करी है। संजीव जी, अडानी साहब का चाइना से बड़ा व्यापार है, इधर रशिया के साथ भी व्यापार, इस मीटिंग से लग रहा है कि भारत अमेरिका की तरफ ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा है, तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है अडानी साहब पे, रशिया से या चाइना से, दोनों से? देखिए अडानी साहब और देखिए यहीं पे मोदी साहब और जिनपिंग में एक बड़ा बेसिक अंतर नजर आता है। अडानी साहब के लिए कंट्री फर्स्ट नहीं है, पहली बात, अडानी साहब के लिए अपना व्यापार फर्स्ट है,
तो अडानी साहब के लिए व्यापार फर्स्ट है, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक मैं उदाहरण बताता हूँ। पिछले दिनों कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे थे, उस ट्वीट्स में ये लगातार बताया जा रहा था, जब ये बात आई ना कि अडानी साहब एक चाइना के नागरिक, यूएई के नागरिक के साथ लगातार व्यापार कर रहे हैं, सेल कंपनियों के थ्रू वो कर रहे हैं, तो काउंटर करने के लिए कुछ लोगों ने एक ट्वीट किया कि अडानी साहब दुनिया के तमाम देशों में चाइना को पछाड़ रहे हैं, चाइना को बुरी तरह से पछाड़ रहे हैं, चाइना का पोर्ट वहां है तो वहां अडानी साहब ने पोर्ट ले लिया, चाइना का पोर्ट श्रीलंका में है तो अडानी साहब भी वहां पहुंच गए पोर्ट लेने के लिए, इसराइल में है तो इसराइल पहुंच गए, ग्रीस में है तो ग्रीस पहुंच गए, पूरा उसकी तारीफ करी गई। उन महानुभाव महोदय से को ये पूछे कि अडानी साहब सारी दुनिया में चाइना को पछाड़ रहे हैं लेकिन लद्दाख से चाइना को नहीं खाली भगवा रहे हैं, ये क्या कारण है? पहली बात। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं उनमें और जिनपिंग में बड़े खास अंतर है, जिसको मैं बहुत खुले दिल से बोलना चाहता हूं कि जिनपिंग ने जितने भी दुनिया में बैटिंग करी है चाइनीज इंटरेस्ट के लिए, उसमें चाइना का पब्लिक सेक्टर का ही 100% लाभ हुआ है। जिनपिंग के कार्यकाल में या उससे पहले भी जो और एक दो जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल में अगर चाइना का जो बाहर विस्तार हुआ है और चाइना ने जितने पोर्ट अधिग्रहण किए हैं, पोर्टों को लिया है, बंदरगाहों पे को लिया है, वो मैक्सिमम 99% क्या 100% पोर्ट चाइनीज पब्लिक सेक्टर के अंडर में है। भारत का एक भी पोर्ट जो ओवरसीज में, जो भारत दावा करता है अडानी साहब जो चाइना को पछाड़ रहे हैं, सारे पोर्ट अडानी साहब के पास है। भारत के जो शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहीं बात नहीं करी कि ये भी यहाँ आके पोर्ट चलाएंगे। भारत, अगर प्रधानमंत्री जी ग्रीस भी गए तो अखबारों में खबर आई कि वो अडानी के पोर्ट दिलवाने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री जी का पहला कर्तव्य बनता था कि प्रधानमंत्री जी बोलते कि हमारा शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ग्रीस में ये पोर्ट कंट्रोल करेगा, श्रीलंका में हेवनटोट्टा पोर्ट अगर चाइना ने ले लिया तो चाइना का जो पब्लिक सेक्टर जो है उसके पास वो पोर्ट है, लेकिन जब हम वेस्ट कोलंबो टर्मिनल का अधिग्रहण करने की बात आई या उसको डेवलप करने की बात आई तो वहां पे अडानी साहब को हमने भेज दिया। तो मेरा ये मानना है कि अडानी साहब व्यापारी है, अडानी साहब को क्या फर्क पड़ता है, अडानी साहब कल को चाइना के साथ मिल जाएंगे, भारत की नागरिकता छोड़ देंगे, इनको तो व्यापार से लेना देना है, ये भारत से अहमदाबाद छोड़कर लंदन में रहना शुरू कर देंगे। इसारों ने मकान खरीद रखे हैं लंदन और अहमदाबाद में, अहमदाबाद वाले हों चाहे बॉम्बे वाले हों। आज जो है मुकेश अंबानी साहब भारत छोड़कर अगर लंदन में इतना कितना 500 करोड़ की एक कोठी ले रखी है, वो अब बॉम्बे से चले जाएंगे लंदन में, उनको क्या फर्क होता है, भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। कई लोग चले गए, ललित मोदी चले गए, मेहुल चौकसी चले गए, और भी कई चले गए, तो वैसे ये भी चले जाएंगे कल को। ये इनको तो है कि अपने पोर्ट्स बचाने की जब बारी आएगी तो चाइना से भी हाथ मिला लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर अगर आपने देश की हित देखने हैं विदेशों में भी, तो आप सरकारी संस्थाओं को आगे कीजिए, किसी इंडिविजुअल व्यापारी को आगे ना कीजिए। वो चाइना कर रहा है, वो जिनपिंग कर रहे हैं, तो ही जिनपिंग को ताकतवर बना रहा है और यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कमजोर कमजोर हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है। चलिए शुक्रिया संजीव जी, और जल्दी मिलते हैं। और दोस्तों संजीव पांडे साहब हैं, ये बेसिक अंतर समझिए। चाइना अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट को बढ़ावा देता है, उसको पुश करता है, और भारत की ओर से एक इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट अडानी को पुश किया जाता है। अगर यहाँ कोई अर्थव्यवस्था चरमराई तो भारत को सस्टेन करने के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सारा माल जो है ना अडानी के पास जा रहा है। पूरा वीडियो देखते रहे, शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जल्दी मिलता है। शुक्रिया, शुक्रिया संजीव जी। नमस्कार।